you mm -hmm. देह की और मन की सभी हलचल से परे जैसे अड़िक पर्वत

असीम शांति स्थूल देह के पिंड में विराजमान धन्य ज्योतिमा का प्रकाश संपूर्ण देह में फैल रहा है जन-जन, मैं आत्मा भटकी अब समय अंतर जगत की यात्रा का वो आकाश जो बाहर है असीम है, है। कर मेरे भीतर भी एक आकाश है जो बहुआयामी असीम है बस काश से परे वो जो अंतर आकाश है उसकी यात्रा एक अलौकिक यात्रा करती हूँ उस दिव्य यात्रा के लिए जिसमें नितांत तो मैं अकेला हूं यह यात्रा अंतर जगत की यात्रा है थे गुफाओं में और कंदराओं में एक अज्ञात सी छोटी सी गुफा थी एक ऐसी गुफा जहाँ कभी सूरज की किरणें नहीं पहुंची थी अनंत काल से अनंत अनंत काल से अंधेरे में थी छिपी हुई थी सूरज की किरणें रोज आती और गुफा के दरवाजे पर दस्तक देती क्या मैं आऊं? पर गुफा को विश्वास न था क्योंकि अंधेरे की आदत थी सूरज की किरणें उससे कहती कि बाहर देखो रोशनी है बाहर देखो फूल खिले हैं, बाहर देखो कैसी हरियाली है परंतु जिसे अंधेरे की आदत है जो लंबा समय अंधेरे में रहा है अगर उसे कोई ऐसा आके कहता है कि उश, उजाला भी है तो उसे विश्वास नहीं होता जिसे दुख सहने की आदत है उसे दुखी अच्छा लगने लगता है दुख की ही आदत पड़ जाती है जो निराशा में जीता है उसे निराशा की आदत पड़ जाती है और यदि कोई सुख का संदेश लाए सहन हो नहीं पाता कैसा विचित्र स्वभाव है चाहता है दुख से मुक्त तो हो जाए परंतु स्वयं स्वयं को दुखी करता है और उसी में जीता है सूरज ने फिर फिर कहा आकर तो देखो कैसा है यह समा परंतु उस गुफा को कभी विश्वास ही नहीं हुआ अपने ही अंधकार में रही पर एक दिन उसके मन में आया क्यों ना मैं भी देखूं? प्रकाश कैसे होता है रोशनी कैसी होती है क्या रोशनी होती भी है और उसने दरवाजा खोला और पहली बार उस गुफा ने रोशनी को जाना प्रकाश को पहचाना और वो सूरज से कहने लगी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपने दुखों के लिए जिम्मेवार भी व्यक्ति दूसरों को ही मानता है कि तुमने पहले बताना चाहिए था जबकि दस्तक तो सूरज कब से दे रहा था बहुत खुशी हुई जब उसने पहली बार सूरज को जाना प्रकाश को जाना और उसने सूरज से कहा कि मैंने तुमको जाना पर क्या तुम्हें अंधेरे की कोई खबर है जैसे मैंने प्रकाश को जाना तुम भी मेरे अंधेरे को जान लो आओ मेरे भीतर और वो गुफा सूरज को अपने अंदर बुलाती है सूरज भी कहता है कि मैंने कभी भी प्रकाश अंधेरे को नहीं जाना क्या है मैं भी तो जानू जो चीजें हमें नहीं पता उसे जानने की इच्छा होती है उसके प्रति कौतूहल होता है जो गुण हम में नहीं किसी और में है वो व्यक्ति आकर्षित करता है सूरज की किरणें गुफा में प्रवेश करती है परंतु अंधकार तो है ही नहीं सूरज ने बहुत ढूंढा परंतु अंधेरा कहीं ना मिला और कैसे मिलता क्योंकि अंधेरा तो नाम ही अभाव का है किसका अभाव प्रकाश का अभाव गुफा ने पूछा कैसा था मेरा अंधेरा सूरज ने कहा अंधेरा था ही नहीं जहां मैं हूं वहां अंधेरा कैसा मेरी अनुपस्थिति को ही अंधेरा कहा जाता है उपस्थिति और अनुपस्थिति भाव और अभाव एक साथ नहीं हो सकते यदि अंतर मन में अंधेरा है तो जरूर सूरज की कमी है यदि चेतना में दुख है कहीं कोई विषाद कोई पीड़ा कोई दर्द कोई विकार है तो जरूर प्रकाश की कमी है ज्ञान और वासना एक साथ नहीं जी सकते यदि तृष्णाओं से भरा चित्त है यदि वासनाएं उद्वेलित कर रही है मन को यदि विकारों से आंदोलन हो रहा है चेतना में तो ज्ञान की अब भी कमी है ज्ञान का वो प्रवाह ज्ञान का वो सूरज अब भी अंदर नहीं है अव्यक्त महावाक्य है बाबा के यदि वो सूरज जो आसमान में है कभी वो सूरज अस्त ही ना हो तो अंधेरा कभी होगा ही नहीं और यदि आत्मा में ज्ञान का सूरज निरंतर हो तो आत्मा में भी कभी भी अंधेरा नहीं होगा हमारे अंतराकाश में क्या है सूरज है या अंधेरा तो आज हम इस विषय की अगर हम कहे चर्चा या चिंतन तो चिंतन और चर्चा केवल बौद्धिक है जब तक अध्यात्म शरीर के तल पर अनुभव ना हो वो केवल चिंतन मात्र है कितना गहरा राज है इस वाक्य में जब तक अध्यात्म देह के तल पर अनुभव ना हो तब तक वो केवल बुद्धि का विलास है वाणी का विलास है प्रवचन मात्र है भक्ति का रस मात्र है उसमें परिवर्तन नहीं होगा अध्यात्म का हर अनुभव यहां अनुभव हो शरीर पर कैसे राज है गहरा राज है तो आज हम प्रवेश करेंगे अपने ही अंदर अपने ही अंतर आकाश में इस आकाश में उड़ान लेंगे क्योंकि वहां क्या है पता नहीं और डर लगता है अंदर जाने से अब सबकी भट्टी का आज का पहला दिन है गहरा ऑपरेशन करना है हर एक को अपना डीप सर्जिकल स्ट्राइक और इस ऑपरेशन के दो नियम है पहला संपूर्ण मौन आपस में बात करते हुए कोई भट्टी कोई तपस्या नहीं हो सकती जो आज दिन भर भी बोलते रहे वो अभी से इसी क्लास में बैठे बैठे ही संकल्प करेंगे वानी चुप हो जाए अब बोलेंगे पर कब बोलेंगे भट्टी कब पूरी हो रही है उन्नीस तारीख सुबह आठ बजे अपने मौन को यहीं पर तोड़ कर जाएंगे संसार में जाके मौन को नहीं तोड़ना है तो लौकिक बातें निकलेगी इसी वायुमंडल में जिस जिस जिनके साथ भट्टी की है अभी केवल उनके चेहरे देखना है पर बात नहीं करनी है किसी से भी नहीं जरा भी नहीं जो अनुभव होंगे वो अपने अंदर ही रख देना है और किसी भी चीज का कोई भी वर्णन नहीं तो ही कुछ मिलेगा नहीं तो आए भट्टिया की योग किया क्लासेस सुनी क्लासेस बहुत अच्छी थी ये अच्छा था वो अच्छा था आराम किया और चले गए ये मधुबन की तपस्या भूमि है अगर यहाँ आए और अपरिवर्तित होकर ही चले गए और यहां आए और वो ट्रांसफॉर्मेशन लेस भट्टी हो गई तो बोझ होगा मधुबन में तोड़ी हुई एक एक रोटी का हिसाब देना होगा जो अब तक भी बोल रहे हैं सुबह से हाँ जो व्यवस्थापक है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जिन्हें सबको संभालना है वो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं सेवा की रीति से बाकियों को बोलने का कोई काम ही नहीं है पूर्ण मौन आर्य मौन संपूर्ण मौन जब तक ऊर्जा व्यर्थ जा रही है बोल से अंतर्मुक्ता कैसे आएगी ये सबसे पहला काम दूसरा जिनका मोबाइल अभी तक भी स्विच ऑफ नहीं हुआ है स्विच ऑफ साइलेंट नहीं वाइब्रेट नहीं बंद पूरा बंद उसको सीधा आठ बजे खोलना चालू करना उन्नीस तारीख को उसको बैग में डाल के बंद कर दो जिससे जो बात करनी है इस क्लास के बाद दस पंद्रह मिनट है उसमें बात कर लेंगे बस बात करते करते तपस्या नहीं हो सकती ये दो चीजें। और इस कैंपस से बाहर कहीं नहीं जाएंगे और अपना कमरा क्लासरूम मुरली क्लास डाइनिंग बाबा का कमरा बस इसके अतिरिक्त ना किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे ना कुछ परचेसिंग करेंगे और हो सके तो कुछ भी पढ़ना नहीं है दूसरा कुछ पढ़ने के लिए बहुत समय है बाद में पढ़ना यहां अनुभव के लिए आए लिखने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है सारे पेन पेंसिल डायरी एक तरफ अनुभव सारा मटेरियल सारी क्लासेस सारे ऑडियोस, इंटरनेट पर बाढ़ आई है ज्ञान की बाद में कभी भी मिल सकती है मीडिया से सब कुछ खरीदा जा सकता है एक्सेप्ट एक्सपीरियंस इतना सस्ता नहीं है अनुभव कि सोशल मीडिया से मिल जाए त्याग मांगता है जब तक डिजिटल डिस्टर्बेंस है तब तक तपस्या नहीं हो सकती और नियति ने ये अवसर दिया है भगवान की अनुकंपा हुई है जो यहाँ तक मुझे पहुँचाया जबकि संसार की हालत इतनी विकराल है ऐसे रम्य, ऐसे पवित्र ऐसे प्रांजल स्थान पर हमें पहुँचाया और ऐसा मौका दिया कि जहाँ मौन रखा जा सकता है सहज जहां चिंतन किया जा सकता है सहज जहां चेतना को ऐसी उड़ाने भराई जा सकती है सहज और यहां आने के बाद भी इससे बात उससे बात इससे मैसेज इसको मैसेज उसको मैसेज तो यहां आने का पर्पज ही खत्म हो जाएगा कौन कौन करेंगे हाथ खड़ा करेंगे आर्यमौन सिग्नल से भी बात नहीं करेंगे केवल किसी का चेहरा देखना बस बात कुछ भी नहीं जीरो जीरो कम्युनिकेशन एंड मोबाइल ऑफ नो इंटरनेट नो यूट्यूब नो व्हाट्सएप तीनों को ही हॉलीडे और कहीं नहीं जाएंगे इस कैंपस से हॉस्पिटल जाऊं इसको मिलू उस डिपार्टमेंट में मिलू टोली में जाऊं ये खरीदना है वो खरीदना है सब लास्ट डे जिस दिन भट्टी पूरी होगी उस दिन इस मौन को तोड़ना उस दिन मोबाइल बैग से बाहर निकलेगा उस दिन जिससे बात करनी है करना परंतु तब तक मन को आदेश दे देंगे ये सब बाहर क्योंकि काम बहुत सारा है जो करना है गहरा काम करना है महात्मा बुद्ध एक दिन आए और अपने साथ एक रेशम का रुमाल लेकर आए हजारों बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं उन्होंने देखा यह क्या किया है इन्होंने क्या कोई जादू का कर्तव्य दिखाने वाले हैं क्योंकि रुमाल तो कोई जादूगर ही लाता है उस रुमाल पर महात्मा बुद्ध बैठे उन्होंने गाठे बांधी पांच और भिक्षुओं से पूछा हे hey भिक्षु बताओ जो पहले का रुमाल था और यह जो गांठ वाला रुमाल है क्या एक ही है या बदल गया क्या कहेंगे एक ही है रूपाल रुमाल तो एक ही है स्वभाव से तो एक ही है परंतु बदल गया है इस रुमाल में गांठे है वैसी चेतना में भी गांठे पड़ी है जीवन में इतनी सारी घटनाएं हुई है इतने सारे संस्कारों की गांठे बांधी गई है कैसे खोले इन गांठों को फिर महात्मा बुद्ध ने कहा अब मैं इन गांठों को खोलना चाहता हूं तो वो उस रुमाल को खींचने लगे भिक्षु कहने लगे ये क्या करते हैं आप उन्होंने कहा मैं गांठों को खोल रहा हूं कैसे खोले खींच कर क्या खुलेगी ना क्या करना होगा गाठों को पहले जानना होगा ये गाठे किस तरह बांधी गई है ये काम का संस्कार प्रकट कहां से हुआ है शुरुआत कहां से थी गंगोत्री कहां है इस इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की कहां से निकल पड़ा है ये ईर्षा जो पीछा कर रही है ये काम वासना का अंश जो पवित्रता का सारा ज्ञान होते हुए भी अचानक से उभर आता है जरूर कहीं से तो चालू हुआ होगा पहले विकारों को जानना उस गांठ को जानना और उसे उसी रीति से खोलना जिस रीति से वो बांधी गई है परंतु ये गांठे अभी नहीं बांधी गई है पहले बांधी गई है तो क्या करना पड़ेगा टाइम ट्रेवल पीछे जाना पड़ेगा पीछे लौटना पड़ेगा बड़ा भारी काम है बहुत सूक्ष्म काम है चेतन मन को शांत करना होगा तब कहीं अवचेतन में प्रवेश किया जा सकता है क्योंकि विकार चेतन में नहीं है अवचेतन में छिपे है सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए वाइसेस को निकालना सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई कॉम्प्लेक्सेस निगेटिविटी को निकालना अपराध भाव को निकालना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि वहां तक तो कुछ भी नहीं पहुंचता क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं सारा ज्ञान योग मुरली तपस्या अमृत दिन भर का कि सेवाए नुमाशाम का योग मुरली लिखना मुरली पढ़ना मुरली सुनाना क्लास करना क्लास कराना यह सब चेतन पर हो रहा है इसमें का कुछ भी वहां नहीं पहुंच रहा है जहां विकार छिपे हुए हैं इसलिए वो विकार जस का तस है जरा भी हिला नहीं है टच ही नहीं हुआ है उसको तो क्योंकि हम सब कुछ जो कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर कर रहे हैं कुछ और करना पड़ेगा ये गाठे खोलनी है और तीन दिन मिले हैं कितना बड़ा काम है इतने बड़े कार्य के लिए ये तीन दिन बहुत कम समय है परंतु हां मन की एक तैयारी तो की जा सकती है उस चेतन मन को शांत तो किया जा सकता है ताकि दिखाई पड़े क्या है वहां हां ये है और जिसने अपने विकारों को देख लिया वो उसे जीत भी लेगा अभी हमने देखा ही नहीं है क्योंकि वो छिपे हुए हैं वहां सूरज की कोई किरण नहीं है सूक्ष्म काम है साधना भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम होती जाए तब कुछ हो सकता है तब दिखाई देने लगेगा तो आज का हमारा विषय है अंतर आकाश में उड़ान उस आकाश में उड़ान के लिए एक पंछी को बहुत सारी बातें चाहिए तो आज की इस क्लास में ऐसी हम बारह बातें देखेंगे जो किसी को उड़ने के लिए आवश्यक है पहली पंख उड़ने के लिए क्या चाहिए पंख चाहिए बिना पंखों के उड़ान नहीं जा सकता और हम तो पुरुषार्थ कर रहे अंतर आकाश में मैक्रोकॉजम एंड माइक्रोकॉजम ये जो अंतर आकाश है इस आकाश से बहुत बहुत बड़ा है पता नहीं इसमें क्या क्या है जन जन की वासना है जन जन के विकार जन जन की भोग की कामनाएं छिपी हुई है इसीलिए कहा यह बहुत गहरा ऑपरेशन है जो यहां आप करने आए हैं पता नहीं कहाँ कब चीरा लग जाए और कौन सा पीप कौन सा मवाद बाहर निकल जाए हमें तो पता ही नहीं था ये भी था हमारे अंदर हम तो सोच रहे थे हम अखंड ब्रह्मचारी है ये कहां से काम निकल पड़ा ये कहां से देह की आसक्ति और देह को देखने की और देह को स्पर्श करने की अभिपसा इसमें अब भी छिपी थी हम तो सोच रहे थे हमारा मोह ही नहीं है पर चीरा लगा और निकला और हर एक को यह काम अपना करना है इसमें दूसरे का क्या काम दूसरों को क्या देखना किसी से क्या संबंध मेरा मेरा यह अपना काम है और गहरा काम है और मुझे ही करना है कोई कुछ नहीं कर सकता हाँ चिंतन थोड़ा किसी का चिंतन किसी का मनन मुरली की कुछ बातें प्रेरणा बन सकती है थोड़ी मदद कर सकती है पर काम तो मुझे ही करना है और हाँ जो यहां केवल और केवल तपस्या करने नहीं परंतु पिकनिक करने आए हैं और बातचीत करने आए हैं खेलकूद करने आए हैं थोड़ा चेंज करने के लिए आए हैं उनसे इतना नम्र निम निवेदन है कि वो कम से कम दूसरा जो आप काम कर रहा है मौन में उसके मौन को डिस्टर्ब ना करे यदि कोई दिख रहा है ये चुप है उसे चुप रहने दे क्योंकि ऑपरेशन ऑपरेशन में कोई अंदर बाहर वाले रिश्तेदार आते हैं के अंदर नॉट अलाउड इसलिए हमारे वजह से किसी की तपस्या भंग ना हो हम कोई टॉपिक ना छेड़ दे जिसकी चर्चा हो अव्यक्त महावाक्य है बाबा के जितनी टॉपिक इंटरेस्टिंग होगी 31 दिसंबर 2008, उतना व्यर्थ उस समाचार में होगा सारा डिस्कशन सारे टॉपिक्स बाजू में तो सबसे पहला पंख है मौन और दूसरा पंख अंतर्मुक्ता अंदर लौट जाना है अब तक का सारा जीवन इवन ब्राह्मण जीवन भी बाह्य मुक्ता में ही जा रहा है सेवा की बाह्य मुक्ता ज्ञान की बाह्य मुक्ता चिंतन की बाह्य मुक्ता यह भी सब बाह्य मुखी होकर हो रहा है अंतर्मुखी नहीं बनाया है इसने ज्यादा बाह्य मुखी बना दिया है शायद कहीं समझ में अंतर था अंतर मुखी अर्थात खुद को देखना बचपन से लेकर अब तक का जीवन कैसा था ज्ञान में आए तब तक अब तक का जीवन क्या था और एक बात स्वयं को देखने के लिए योग में आंखें खुली रहती है परंतु जब खुद को देखना है तो आंखें बंद होगी क्योंकि जहां आंखें जाती है मन वहां वहां भागता है एक साधना है योग की जो राजयोग है एक दूसरी भी साधना है जिसमें हम स्थिर बैठ जाते हैं सभी अलर्ट होके बैठेंगे पेन पेंसिल डायरी कुछ भी नहीं जहां हाथ रख दिया बस वहीं जहां पैर रख दिया बस वही जरा भी हलचल नहीं होगी आंखें बंद होगी इसे कहा जाता है अधिष्ठान अर्थात शक्तिशाली संकल्प और इसका अभ्यास रोज करना है करते करते इस अभ्यास को एक घंटे तक लेके जाना है जिसमें हम इतने अचल बैठे इतने अचल कि जैसे कोई योगी पर्वत पर बैठा है एकदम अचल उंगली ना हिले ट्रिपल लॉक आंखें बंद हाथ बंद पैर बंद जहां पैर रख दिया बस रख दिया यह अभ्यास अपने घरों में सेंटरों में जब जब समय मिले अपने कमरे में बैठकर करना है अलार्म लगा के रख देना है बीस मिनट जब तक बीस मिनट नहीं पूरे होंगे हम उठेंगे ही नहीं इतना शक्तिशाली सभी स्थिर आंखें बंद स्वयं को देखेंगे ये जो अनित्य शरीर है बिना इसको जाने बिना इसकी वास्तविकता को जाने आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता चालू करेंगे इस शरीर का अवलोकन सिर के सिरे से पाव तक क्या हो रहा है इसमें मन को घुमाएंगे शरीर से सबसे पहले चेहरा तरह की संवेदनाएं सेंसेशन शरीर पर है चेहरे पर है तटस्थ भाव से देखेंगे संपूर्ण दाया हाथ क्या हो रहा है इसमें कंपन है भारीपन है निस्संग भाव छाती पेट मन को गुजारेंगे बाया हाथ कौन सी संवेदनाएं निसंग भाव साक्षी भाव पीठ का हिस्सा कहीं भारीपन है कहीं हल्कापन घुटना पिंडली देखते जाएंगे क्या हो रहा है बाया पैर ऊपर से नीचे तक अंग अंग में कोई ना कोई संवेदना है कहीं सुखद है कहीं दुखद है कहीं स्पष्ट कहीं अस्पष्ट कहीं ठंडी है कहीं गर्मी कहीं खुजली हो रही है कहीं पैर सुन हो रहा है तटस्थ शरीर में प्रकंपन ही प्रकंपन अनुभव करेंगे न सुखद के प्रति राग है ना दुखद के प्रति द्वेष समता भाव शरीर के तल पर जो कुछ प्रकट हो रहा है उनका संबंध अवचेतन से उत्पात और लय उत्पात और लय अभी भी कहीं दर्द है थोड़े ही क्षण में वो नष्ट हो रहा है शरीर पर कपड़ों का स्पर्श उत्पात और लय उत्पात और लय पुनः सिर के सिरे पर आएंगे शरीर के जो हिस्से छूट गए थे जो मूर्छित थे अब उस अंग को देखेंगे ऊपर से नीचे तक एक अंग भी ना छूटने पाए प्रति पल कोई ना कोई संवेदना उत्पन्न हो रही है स्कैनिंग द कंप्लीट बॉडी फ्रॉम टॉप टिल बॉटम एक साथ चेहरे को देखेंगे दोनों कंधों को छाती को पेट को पैरों को तटस्थ भाव समता का भाव प्रवेश करना है मुझे चेतना के उस अंतराकाश में जो गहनतम है अज्ञात है मौन और अंतर्मुक्ता के पंख लिए मैं आतम पंछी उड़ रहा हूं उस अंतराकाश में ओम श सबसे पहली बात पंख दूसरा पंची तभी उड़ सकता है जब उसके पाओ में कोई बेड़ी ना हो और यह यात्रा तो अंतर जगत की यात्रा है यदि हमारे पाओ में बेड़िया है तो हम नहीं उड़ पाएंगे सबसे पहले अपने विकारों को डायग्नोसिस का डायग्नोसिस खुद करना है जिसे हम मोह कह रहे हो सकता है वो काम का अंश है इसलिए एक अभ्यास अध्यात्म में सिखाया जाता है साक्षी भाव में माइंडफुलनेस मन में इस समय क्या प्रकट हो रहा है और मन में जो प्रकट होता है वो शरीर के तल पर प्रकट होता है मन में विकार तो श्वास की गति बढ़ जाती है मन में विकार तो शरीर में उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है यदि उन उत्तेजनाओं को जो शरीर पर प्रकट हो रही है उनको साक्षी भाव से देखा जाए तो हम उन विकारों को भी देख सकते हैं यह बड़ा सूक्ष्म और बड़ा गहरा अभ्यास है इसलिए कहा कि हर दिन दोपहर को हो सके तो पंद्रह मिनट आधा घंटा एक घंटा या जब भी कमरे में हो इसी मुद्रा में बैठ जाना है अचल हिलना ही नहीं है और अपने देह को देखते जाना ऊपर से नीचे तक नीचे से ऊपर तक ऊपर से नीचे तक एक समय आएगा कि केवल तरंगे ही तरंगे दिखाई देने लगेगी यह शरीर कैसा नश्वर है वो दिखाई देने लगेगा और फिर ये बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं वो प्रतीति होगी अनुभव होगा और जैसे अनुभव भूलता नहीं है हम जो कुछ करते हैं सब भूल जाता है क्योंकि केवल मन की कल्पनाएं हैं मैं आत्मा परमधाम में हूं मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में हूं मैं आत्मा सतयुग में हूं मैं आत्मा फरिश्ता हूं बुद्धि विलास घुमा रहे मन को परंतु शरीर के तलों पर इसका अनुभव नहीं हो रहा है दादियों ने जो अभ्यास किया था उसका अनुभव उनको गहरा था क्योंकि वो उसमें देह इन्वॉल्व था बाबा ने ड्रिल कराई थी लेट जाओ ये मर चुकी है मुर्दा सतयुग के ड्रेस पहने वो ड्रेस पहने से फील आती क्यों लोग राजस्थान में आते हैं मधु माउंट में आते हैं नकी के वहां पर राजस्थानी ड्रेस पहनते और फिर फोटो खींचते कल्पना भी तो कर सकते मैं पहना हूं पहनी हूं स्थूल शरीर को इन्वॉल्व करना है हर सूक्ष्म क्रिया के साथ जब शरीर इन्वॉल्व हो जाएगा क्यों विकार इतने गहरे है क्यों काम विकार निकलता ही नहीं क्योंकि काम विकार का संबंध शरीर के तल पर हो रहा है इसलिए उसकी जड़ें इतनी गहरी है और जो पुरुषार्थ किया जा रहा है केवल मन के तल पर किया जा रहा है शरीर को पूरा छोड़ दिया है हमने हमें शरीर को देखना है पहला शरीर को जानना है दूसरा शरीर को महसूस करना है और शरीर को साक्षी भाव से समझना है ये चार चीजें शरीर के साथ करना है इसका मतलब ये नहीं हम शरीर को शरीर में आसक्त हो रहे जो अनित्य है उसको देखना इसलिए ताकि नित्य की ओर जा सके जो क्षण भंगूर है उसको इसलिए देख रहे कि ताकि इसकी सत्यता को समझ सके क्यों इतना इसमें आकर्षण है क्या है इसमें ऐसा अभी तो हमने जो अभ्यास किया ये ऊपर ही ऊपर अभ्यास था केवल ऊपर से देह को देखा जैसे ये अभ्यास गहरा होता जाएगा इस शरीर को अंदर से भीतर से देखना चालू करेंगे इस श्वास को देखने चालू करेंगे और धीरे धीरे इसकी जो जड़े है वो हिलने लगेगी फिर और कुछ होगा एक क्रांति होगी शौक लगेगा और जब तक शौक नहीं जब तक क्रांति नहीं तब तक परिवर्तन नहीं इसके अतिरिक्त तो जो कुछ किया जा रहा है केवल और केवल वाणी और बुद्धि का विलास है जो डायरिया हम भर रहे हैं वो पड़ी रहेगी ऐसी जो ऑडियोज डाउनलोड कर रहे हैं वो वैसी पड़ी रहेगी परिवर्तन नहीं लाएगी वो इसके लिए तो त्याग चाहिए इसलिए दूसरी चीज जोड़ने के लिए चाहिए वो कोई भी चेन नहीं और सारी सलाखें हमने खुद तैयार की है यदि हम देखें कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा दुख कौन दे रहा है ये व्यक्ति दे रहा है क्या वास्तव में वो व्यक्ति दे रहा है वो नहीं दे रहा है मेरा उससे जो मोह है वो दुख दे रहा है और हम कहेंगे मेरा तो कोई उससे मोह नहीं है नेगेटिव मोह पॉजिटिव मोह कुछ तो है इसीलिए तो इस भट्टी में यहां बैठे बैठे ही वहां क्या चल रहा है अपने जीवन में उसको देखना है इस भट्टी में यहां बैठे बैठे पिछले छह मास में पिछले एक साल में वहां क्या हुआ पूरा 2020 क्या किया एक एक मास का अवलोकन करना है एक एक मास को याद करना है पिछले मास जनवरी में क्या किया था फरवरी में क्या किया था कब कब विकार आए क्यों आए कैसे आए कौन सी घटनाएं घटी कौन से विघ्न आए और कब हम गिर गए नीचे धड़ाम से और उठने को कितना मुश्किल था क्यों अमृतविला नहीं हो पाया क्यों मुरली का चिंतन नहीं हो पाया क्यों 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 पूछना है और उसको हो साक्षी होकर देखना है बस ये भाग्य है कि नए साल की शुरुआत और वो भी अव्यक्त मास और वो भी 18 जनवरी के समय आप सब यहां है सोचो तो ये जनवरी मास वो गंगोत्री है जहां से अव्यक्त प्रवाह बहेगा दिसंबर तक वो बहाना है चेतना में वो नदी अपने अंतस्करण में इसलिए आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट बॉन्डेजेस दैट यू हैव एंड थ्रो देम असाइड मेरा सबसे बड़ा बंधन कौन है कोई व्यक्ति है पति है पत्नी है बच्चे है मित्र है या ब्राह्मण परिवार से ही कौन है कोई भी हो काट दो जो भी अध्यात्मकी और प्रगति में बाधा है चाहे फिर वो कोई भी हो कट इट एंड थ्रो इट असाइड बुद्ध ने कहा था कभी यदि मैं तुम्हें रस्ते पर मिल जाऊं अपने शिष्यों से तो मेरा गर्दन मेरी गर्दन काट देना क्यों डू नॉट फॉलो मी मैं भी बाधा बन जाऊंगा तुम्हारे मार्ग में प्रेरणा ले लो सबसे पर मार्ग से हटा दो इट इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन ये एक अकेले की यात्रा है अकेले की तरफ यहां कोई भी साथी नहीं है और यह तो अंतकरण की यात्रा है अंतस चेतना की यात्रा है यहां कौन साथी किसका कौन मां कौन बाप कौन बहन कौन बीवी कौन बच्चे कोई कुछ भी नहीं अकेले नितान्त अकेले हैं हम इसमें बंधन तीसरा पिंजड़ा यदि पंछी पिंजड़े में बंद है तो उड़ नहीं सकता हर आत्मा एक स्वभाव सिकंजे में बंद है एक संस्कार शिकंजे में बंधे उसको आइडेंटिफाई करना है इन तीन दिनों में मेरा डीपेस्ट संस्कार माय डीपेस्ट हैबिट माय डीपेस्ट एडिक्शन कौन सा है कौन सा वो एडिक्शन है जो हिला देता है मेरे ज्ञान योग को कौन सा वो एडिक्शन है सब कुछ कर लिया आज तक जितने महारतीय सारों को प्रश्न पूछ लिए अपने सारी मुरलियां ली पर वो उत्तर नहीं मिला क्योंकि एडिक्शन अब भी है जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता अर्थात अब भी हम उसके शिकंजे में है वो कौन सा है फर्स्ट स्टेप इज डायग्नोसिस ट्रीटमेंट बाद में होगी ट्रीटमेंट को छोड़ दो अभी। पहले तो निदान ये है ये जिसे मैं मैत्री कह रहा हूं स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप दैट इज बट अ ट्रस्ट ऑफ विशियस फ्रेंडशिप वो मैत्री है ही नहीं आध्यात्मिक वो तो कुछ और ही है उसके भीतर तो वासनाएं पनप रही है तीसरी बात आइडेंटिफाई यूर एडिक्शन वो क्या बन गए पिंजरा बन गए सारे कुमार क्यों ब्रह्मचर्य साध नहीं रहा है कौन सी बाधा है वो ब्रह्मचर्य में अगर वो कोई भी बाधा है स्टॉप इट थ्रो इट डिसेबल कर दो उस ऐप को वट एवर इट इज स्टॉप इट संकल्प करके जाना है रियल भट्टी तो यहां से जब जाएंगे तो चालू होगी चौथा पंछी को उड़ने के लिए चाहिए इच्छा शक्ति मुझे उड़ना है बहुत उड़ना है आकाश में उड़ना है गहराइयों को ये तो अंतर आकाश है उस आकाश में जाने के लिए भी स्ट्रांग विल पावर नीडेड डिजायर वो डिजायर क्रिएट करनी है अपने अंदर मुझे अपने अंदर घुसना है बस आज तक का जीवन ब्राह्मण जीवन बाह्य मुक्ता में चला गया सेवाएं की पर वो सेवाएं सेवा थी ही नहीं जो सेवा पुरस्कार मांगती है वो सेवा ही नहीं थी वो तो स्वार्थ था जिसको सेवा का लेबल हमने लगाया था इन तीन दिनों में यहां बहुत सारे प्रवचन सुनेंगे बातें सुनेंगे महारथी योगी पुरुष यहां आएंगे बैठेंगे कुछ सुनाएंगे वो जो कुछ बोलेंगे दो वाक्यों के बीच जो अंतराल है मौन का उसमें आपको अपने उत्तर मिलेंगे उस बीच में नहीं अगर उस एकाग्रता से बैठेंगे तो दो वाक्यों के बीच जो मौन का अंतराल होगा भाषण में वहीं से तीर लगेगा चेतना में केवल अगले तीन दिनों के लिए अपने आप को समर्पित कर दो पूर्ण समर्पण कंप्लीट सरेंडर समग्र समर्पण इंटीग्रेटेड सरेंडर बहो यहां पर बहते रहो स्ट्रॉन्ग विल डिजायर चाहिए वो इच्छा आप क्रिएट करनी है कब तक लेके चलूंगा पास्ट में कोई इवेंट हुआ है दस साल हो गए कोई मर गया उसकी याद अभी तक है किसी ने धोखा दिया उसकी याद अभी तक है वर्तमान में कुछ कुछ चल रहा है डिस्टर्बेंस वो लेके चल रहे हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे पुरुषार्थ तभी किया जा सकता है जब मन नितान्त हल्का है कोई बोझ नहीं है उसको अतीत का ना भविष्य का उस हल्केपन को हमको यहां महसूस करना है सुनते 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 ही अनुभव करना ये मेरे साथ हो रहा है बहुत लिख लिया लिखना बंद कर दो बाद में सब मिल जाएगा सारे ऑडियोज मिल जाएंगे यहां तो अनुभव करना है बैठे बैठे ही अनुभव करना है सुनते सुनते ही अपने ही जीवन की यात्रा करनी अभी भी यहां सुनते सुनते ही कानों में शब्द पड़ रहे हैं परंतु यात्रा अपने जीवन की हो रही है शब्द यहां से आ रहे हैं दिखाई वो दे रहा है और अचानक ऐसी कुछ चीजें दिखाई देगी और तुरंत परिवर्तन होगा जो पॉइंट समझ ही नहीं आ रहा है वो समझ आ जाएगा एक भूल जो हम किए जा रहे हैं वो पकड़ में आएगी यू हैव कम हियर फॉर सेल्फ डायग्नोसिस अगला करेज क्या चाहिए बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि अंतर जगत में क्या है हमें कुछ भी पता नहीं है कितने जन्म जन्म का वहां स्टोर्ड है पर हिम्मत करनी और वह हिम्मत यहां मिलेगी अमृत वेला बाबा से वरदान ले लो विजयी भवा एक आदत है अमृत वेला हो गया कि सो गए इस आदत को यहीं छोड़कर जाना है अभी समय है जो जो हमें हम चाहते हैं किसी तीव्र पुरुषार्थी में हमको दिखाई दे रहा है कि ये हम में होना चाहिए उस आदत को नोट करके रखो माइंड में या तो डायरी में और यहीं पर इसी भट्टी में संकल्प करके जाएंगे कि मुझ में ये आदत है मुझे इसको यहीं छोड़कर जाना है और न्यू हैबिट्स कल्टीवेट करके जाना है यहां बैठकर वहां क्या करना है फ्यूचर में उसकी प्लानिंग करनी है छह मास क्या हुआ उसका चिंतन और छे मास यहां से जाकर उस ऑफिस में उस सेंटर में उस घर में क्या करना है उसकी प्लानिंग यहां करके जाना है तो यह भट्टी सफल होगी यहां से देखना है अपने ऑफिस को मैं किस तरह एंट्री करता हूं किस तरह काम करता हूं ट्रैवलिंग किस तरह का है देखना है अपनी यात्रा को ब्रह्मचर्य की यात्रा कैसी रही ज्ञान में आए तब से समर्पित जीवन की यात्रा कैसी रही ज्ञान में आए तब से भोजन की यात्रा कैसी रही ज्ञान में आए तब से इंद्रिय विजय की यात्रा कैसी रही ज्ञान में आए तब से शारीरिक की बीमारियों की यात्रा कैसी रही ज्ञान में आए तब से जब से ज्ञान में आए तब से कितनी बीमारी आई देह की क्यों आई कब आई कौन से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया कहां संयम की कमी है उस यात्रा को देखना संबंधों की यात्रा को देखना इस ब्राह्मण परिवार में संबंधों में जो खेचातान है कड़वाहट है क्यों और कहां और कैसी यह भट्टी का उद्देश्य है देखना टू सी इनसाइट करेज चाहिए इसमें अगला क्यूरियोसिटी उत्कंठा मुझे समझना है इनक्विजिटिवनेस जैसे बच्चे में उत्कंठा होती है हर चीज जानने की उत्कंठा होती है हर चीज उसे समझना होता है हमारे अंदर इतना कुछ चल रहा है हमने कभी हम कभी रुके ही नहीं समझना है एक एक चीज एक एक भाव एक एक भावनाएं एक एक इच्छा जो उत्पन्न हो रही है फ्रॉम विच बेड ऑफ सबकॉन्शियस इट इज अराइजिंग सबकॉन्शियस के किस तल से अवचेतन के किस गहराई से वो निकल आ रही है उसका संबंध कौन सी दूसरी इच्छा से है क्यों अब भी दुख है दुख कौन कारण कितना मौन चाहिए इस कार्य के लिए काम बहुत बड़ा है और यहां आकर बातों में लग गए इसको उसको देखने में लग गए खान पान में लग गए तो ये काम रह जाएगा जैसे आए थे बस खाली हाथ ही लौट जाएंगे और केवल एक समाधान और वहां सेंटर पर जाकर सुनाएंगे हमने ऐसी भट्टी की और हमने यूं किया और त्यों किया और यहां ये भी क्लास हुई और वो भी क्लास हुई पर अंदर क्या खाली जस्ट एक दिखावा दैट्स इट क्यूरियोसिटी अगला उत्साह उमंग जैसे उन चीजों में उमंग उत्साह है अब इस चीजों में उमंग उत्साह लाना है कि मुझे अंदर की सफाई करनी है बहुत कचरा जमा कर रखा है हर दिन कचरा जमा हुआ है विचारों का कचरा संस्कारों का कचरा जमा हो गया है, एडिक्शंस का कचरा जमा हो गया है पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है और उसको फिर हटाना है जिसने आइडेंटिफाई कर लिया उसका अपने आप ही हट जाएगा जब पता चल जाए ये व्यर्थ है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से इतना मोह इतना मोह इतना मोह रह नहीं सकते दोनों ज्ञानी है दोनों तपस्वी है दोनों राजयोगी है दोनों टीचर्स है दोनों दूसरों को ज्ञान सिखाते हैं दोनों अमृत वेला में पक्के हैं दोनों मुरली में पक्के हैं फिर भी मोह है अगर ऐसा है कौन किसको ज्ञान सुनाएगा परंतु जब यह समझ में आ जाए कि यह संबंध ही व्यर्थ है तो वैराग अपने आप आ जाएगा वैराग उत्पन्न करने की विधि है चीजों की व्यर्थता को जानो इस देह से वैराग उत्पन्न की विधि है इस देह को ही समझो ऊपर से नीचे तक की यात्रा करो क्या है इस देह में मलमूत्र के अतिरिक्त तो क्या भरा है इसमें देखो उसको देखो शमशान घाट पर जाओ बीच बीच में देखो जलती चिता को यह है चल रही है आग की लपटे उठ रही है दिस इज ट्रुथ वो जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है ये जो सुंदर दिख रहा है शरीर इस खाल को उखाड़ कर देखो क्या है इसमें कुछ भी नहीं है फिर भी इतना आकर्षण किस लिए क्यों दबन नहीं करना है डोंट सप्रेस कि इसको मुझे देखना नहीं उसको मुझे देखना नहीं इसको मुझे देख देखो और सत्यता को देखो तो वैराग आएगा रियल वैराग जो कभी नहीं जाएगा क्यूरियोसिटी अगला सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या चाहिए उड़ने के लिए स्वयं में विश्वास मैं कर सकता हूं क्यों कर सकता हूं और अभी तो कर ही सकते हैं इतने सारे ब्राह्मणों का संगठित योग बल मेरे साथ है मधुबन की पावन भूमि पर है यहां हो सकता है वो कार्य जो वहां नहीं हो सकता तो यहां होगा संकल्प की आवश्यकता है बस परिवर्तन संकल्प की दूरी पर है परिवर्तन संकल्प की दूरी पर है वो जो मैं करना चाहता था अब तक नहीं हो रहा है अभी यहीं बैठे बैठे वो संकल्प कर लो और सब गुप्त होगा ये सारा कार्य गुप्त है ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सारा ऑपरेशन अंदर चल रहा है एक एक को फाड़ना है चीरे से क्या है डेबरीज स्लफ डेड बॉडीज सब कुछ सारा गंदगी जब तक निकलेगी नहीं वुंड से वो वुंड में हीलिंग नहीं होगी अभी तक दस साल पहले किसी ने कुछ किया उसका हर्ट है क्योंकि इतना सब समाया हुआ है क्या करते हैं ड्रेसिंग करते समय सलाइन डालते हैं हाइड्रोजन पर डालते हैं यूसॉल डालते हैं सब क्लीन करते हैं पहले फिर जब रेड हो जाता है दैट्स हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू तब कहीं हीलिंग स्टार्ट होती है जब उसमें इतना कचरा है क्योंकि हमने देखा ही नहीं है वो दब गया है कोई एक माता है उसके पति ने शरीर छोड़ा दुख तो उसको बहुत हुआ परंतु ब्राह्मण परिवार के सामने रोएंगी कैसी उसकी जो इमेज है योगी की वो उसे मेंटेन करनी है नहीं रोई दबा के रख दिया अपने दुख को दिखाया कि कुछ नहीं हुआ मुझे वो आत्माती चली गई पर अब दो साल हो गए अभी भी ओपीडी में आना चालू है उदास रात रात भर नींद नहीं आती है स्वीकार करने को अब भी तैयार नहीं है कि दुख हुआ है अच्छा होता रो लिया होता तो कैथारसिस हो गया होता निकल गया होता सारा अंदर का दमन कर दिया ऐसा अध्यात्म नहीं होता है जिसने दमन कर रखा है किसी भी चीज का वो विस्फोट होगा एक दिन चाहे काम हो क्रोध हो लोभ हो मोह हो, अहंकार हो कुछ भी हो तो स्वयं में निश्चय सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं कर सकता हूं कोई एक ने अगर किया तो दूसरा भी कर सकता है इफ इट इज पॉसिबल फॉर वन इट इज पॉसिबल फॉर एवरी वन उसने किया तो मैं भी करूंगा कोई एक अमृत वेला जल्दी उठ सकता है फिक्स टाइम में उठ सकता है जरा भी पांच मिनट इधर उधर नहीं होते उसके चाहे सोता कितने भी बजे फिर भी ये गुण है उसमें अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं संकल्प करके जाना यहां से आज के बाद इस ब्राह्मण जीवन का एक भी अमृत वेला मिस नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कितने भी बच जाए चाहे कितने भी टेम्पटेशन आ जाए ऐसा कई बार हुआ हमारे साथ ही हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी चलती है कई बार इमरजेंसी 12 बजे आती है 2 बजे तक चलती है ये करो वो करो वेंटिलेटर पर डालो ऐसा करो वैसा करो मास कैजुअल्टीज ढाई बज गए तीन बज गए अब क्या करें सो जाऊं या उठू कितना बड़ा प्रश्न है मन कहता है सो जाओ काम किया ना सो जाओ पर संकल्प कहता है नहीं नहीं सोऊंगा सोऊंगा पर पांच बजे सोऊंगा अभी नहीं मन जैसा कहेगा शरीर का कर, वैसा करेगा और फिर भगवान भी मदद करेगा भगवान भी मदद करेगा हमें याद है एक बार हम यहां से कहीं गए थे बाहर ट्रेन में थे बहुत समय पहले की बात हमारी आदत थी कि बाबा की कुटिया का दरवाजा हमें खोलना है सुबह दो बजे हम ही खोलेंगे उसको अर्थात डेढ़ बजे उठना है दो बजे से पहले तो पहुंचना है और साधन पैदल पीछे से अंधेरी रात में हम यहां से कहीं गए ट्रेन में थे अलार्म लगाना शायद भूल गए थे और ट्रेन रुकी या हमारी आंख खुली आंख खुली तो देखा प्रकाश ही प्रकाश हमें लगा हमारा अमृत वेला मिस हो गया इतना दुख दारुण दुख ऐसे कैसे हो गया हाउ इट इज पॉसिबल इम्पॉसिबल पर दिख रहा है ना प्रकाश हो चुका है और मिस हो गया अब क्या करें हम सोच रहे सोच रहे सोच रहे पर वो स्टेशन था ट्रेन चालू हुई आगे बड़ी अंधेरा था मोबाइल देखा टू ओ रात के सन्नाटे में तपस्या की जाती है इन सिबिलेंस ऑफ द नाइट सिबिलेंस पता इंग्लिश शब्द है जो रात में आवाज आता है ना इन द सिबिलेंस ऑफ द नाइट तपस्या तो इज डन। वहां परिवर्तित होता है चेतना में वहां घाव लगते हैं अंदर ही अंदर तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस उत्पन्न करना है मैं कर सकता हूं मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं अपने स्पिरिचुअल स्टेमिना को बढ़ाना है जैसे बॉडी बिल्डर्स अपने बॉडी के स्टेमिना को बढ़ाते हैं हर दिन बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते, बढ़ाते जाते, बढ़ाते जाते। कल तीन सेट लगाए आज चार शुरुआत में दस फिर बारह फिर चौबीस बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते शरीर की कोई लिमिट ही नहीं है स्टेमिना इतना बढ़ जाता है अभी अभी चेस्ट किया अभी अभी शोल्डर्स अभी अभी कोर अभी अभी एप्स अभी अभी लेग रुकते ही नहीं वर्कआउट में थकते नहीं क्यों स्टेमिना को इतना बढ़ा दिया है स्पिरिचुअल मसल्स है आत्मा की उसको एक्सरसाइज करानी है जितनी कराएंगे वो होगा अगला उड़ने के लिए चाहिए एक डिवाइन कॉल जो अंदर से आएगा अंदर से कोई पुकार सुने एकांत में बैठ के और एक अभ्यास दे रहे रोज सुबह सुबह अमृत वेले के बाद कोई ऐसे प्राकृतिक स्थान पर जाओ आधा घंटा एक घंटा वहां पर बिताओ और वहां पर प्रकृति की जितनी आवाजें हैं उन आवाजों को सुनना प्रकृति से दोस्ती करना इंग्लिश में कहते हैं ट्री हगिंग झाड़ को गले लगाना उसमें पॉजिटिव ऊर्जा है अपने ग्रीन टाइम को बढ़ाना है दिस इज नोन एज ग्रीन टाइम प्रकृति के साथ झरनों को देखो पेड़ों को देखो हमें तो लोकल के सिवा कुछ भी दिखने को नहीं मिलता अब क्या करे ढूंढना <laughs> पड़ेगा कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई स्थान है जहां एकांत है जहां मौन है जहां प्राकृतिक सौंदर्य है, ऐसे एकांत स्थान पर ऐसे मौन के स्थान पर जहां मनुष्यों की आवाजें नहीं वहां जाकर बैठना कोई गार्डन हो सकता है कोई छत हो सकती है वहां जाकर योग का अभ्यास करना वहां जाकर ज्ञान का चिंतन करना वहां जाकर मुरली पढ़ना कितना मन शांत हो जाता है पिछले दस सालों में इस आबू पर्वत की जितनी पहाड़ियां है इन्हीं पहाड़ियों पर बैठकर ही हमने ज्ञान का चिंतन किया है अगर किसी कमरे में बैठ के किया होता तो माइंड ब्लॉक हो जाता है हो नहीं पाता जैसे ही आकाश में चला जाता है मन घंटों घंटों कभी दो घंटा कभी चार घंटा और जब संडे छुट्टी होता है तो कभी कभी तो आठ घंटा इसलिए जो रात की मुरली रिवीजन चलती है पांडव भवन में ऐसा लगता है जैसे हम बोल ही नहीं रहे कहीं ऊपर आवा, से आवाज आ रही है क्योंकि वो आवाज हमारी नहीं है मौन की है इतनी पावर है उसमें इंटरनल वॉइस सुनना है वो सुनाई देगी प्रकृति के सानिध्य में इंक्रीज़ योर ग्रीन टाइम तब पंछी उड़ सकता है उसके बाद उड़ने के लिए चाहिए लक्ष्य एम एम निर्धारित करके जाना है इस भट्टी में यहां से जाने के बाद मेरा जो जीवन है कुमार जीवन कुमारी जीवन ब्रह्मा कुमारी जीवन अधर कुमारी जीवन माता का जीवन वो कैसा रहना चाहिए यहां से जाने के बाद वो मैं नहीं रहूंगा मुझे कुछ करके जाना है डीप सर्जिकल स्ट्राइक डीप सर्जिकल ऑपरेशन केवल ये अच्छा था वो अच्छा था ये, ये अच्छा अच्छा करके नहीं निकल जाना यहां से एम अगला प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के उड़ा नहीं जा सकता अभ्यास तो यहां सीख लेंगे पर यहां से जाकर कुछ भी नहीं किया तो इसका प्रभाव दस दिन तक चलेगा इस भट्टी का बस दस दिन के बाद जैसे थे जैसे पहले थे फिर यहां का सब कुछ खत्म हो जाएगा इसलिए और एक अभ्यास दे रहे रोज एक बार चार धाम की मन से यात्रा करनी है किससे करेंगे मन से मधुबन में आना है मन से टाइम फिक्स कर लो नहीं होता है फिक्स तो कभी भी ऑफिस में बैठे हैं जस्ट रिलैक्स और आ जाओ शांति और वहां जाकर क्रिया स्थान को क्रिया से जोड़ना है शांति स्तंभ पर गए मन से कुछ करके आना है वहां पर वहां से कोई फूली उठा के लाना या उसको हक करके आना या उसकी परिक्रमा करके आना कोई तो क्रिया उसमें जुड़नी चाहिए हिस्ट्री हॉल में गए देखो सभी ने हाथ रख दिया है पूर्वजों ने कमरे में गए बाबा ने अंगूठी पहना दी कुटिया में गए वहां कोई किताब ही दे दी तुम्हारा अमृत वेला ठीक नहीं है ये लो अमृत वेला की किताब पढ़ो इसमें मेरे महावाक्य है हाँ एक काम करना यहां से जाते समय जिनके पास अमृत वेले की किताब नहीं है वो लेके जाएंगे जिन्होंने पढ़ी है वो रिपीट करेंगे मस्ट अमृत वेला जिसका नहीं हो रहा है बाकी कितना भी कसरत कर लो दिन भर कुछ नहीं जो करना है वो सुबह ही करना होता है प्रात स्मरा मृदि संस्पुरदात्म तत्व सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरी नचभाति भूत संगम ये शरीर मैं नहीं हूं ये अनुभव तब होता है जहां चेतना केवल चेतना रह जाती है शरीर है ही नहीं ये अनुभव एम प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के उड़ा नहीं जा सकता और हमें तो अंदर जाना है अपने अंदर उड़ना है अपने अंदर की सच्चाइयों को जानना है अपने जीवन में हुई सारी घटनाओं को समझना है देखना है क्या हुआ कौन से दाग है कौन से कलमश कौन सी गाठे कौन से संस्कार कौन से एडिक्शन कौन सी हैबिट्स कितना बड़ा काम है निरंतर अपने आपको याद दिलाते तेरे नाकाम काम बहुत बड़ा है काम बहुत ज्यादा है मैं क्या कर रहा हूं आया किस लिए था और क्या कर रहा हूं ब्राह्मण किस लिए बने थे और क्या कर रहे हैं सुबह उठना अमृत वेला करना एक्सरसाइज करना फिर मुरली सुनने जाना मुरली लिखना मुरली की पॉइंट्स याद करना रिवाइज करना फिर ट्रैफिक कंट्रोल करना फिर ब्रह्मा भोजन याद में बनाना याद में खाना नुमा शाम का योग करना दिन भर सेवा करना रात को चार्ट लिखना और सो जाना इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ इसे क्या कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ हमें करना क्या है तीव्र तो क्या करना पड़ेगा इसको डबल कर देना पड़ेगा इंटेंसिटी को बढ़ानी पड़ेगी इसकी एक काम और दे रहे सबको यहां से जाते समय एक डायरी खरीद के जानी है और उस डायरी में रोज की अपनी दिनचर्या लिखेंगे क्या हुआ ऊपर डेट होगी 16 तारीख जनवरी मास 2021 थाउजेंड कहाँ है ज्ञान सरोवर माउंट आबू चालू करेंगे आज सुबह कितने बजे उठा अमृतवेला फिर कहाँ गया फिर कहाँ गया केवल दिनचर्या याद का चार्ट नहीं कह रहे केवल दिनचर्या लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे ये ये हुआ रोए तो वो भी लिख दो कि आज मैं बहुत रोई इसने आज मुझे ऐसा ऐसा कह दिया ये हुआ वो हुआ वो हुआ केवल लिख देना यह डेटा एंट्री है एनालिसिस बाद में करेंगे और लास्ट में बाबा गुड नाइट बस ये रोज की डायरी सब कुछ लिख देना उसमें अगर डर लगता है कोई पढ़ ले तो कोड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं किसी के हाथ में चली जाए अगर लगता है डर तो कोड लैंग्वेज एक्स वाई जेड लिखो हमें तो पता है ना वो एक्स वाई जेड कौन है जिसने आज ही रुलाया हर संडे रिव्यू एनालिसिस ये डेटा एंट्री कर लिया मंडे से सैटरडे संडे खोलो अब पता चलेगा अरे ये कोई रोने की बात थी सच ए स्मॉल थिंग क्योंकि हम दूर हो गए अभी घटना से दूर हो गए टाइम इज द हीलर उससे डिटैच हो गए अर्थात जब घटनाएं घटती है उस समय यदि प्रतिक्रिया न दी जाए तो उसका जो प्रभाव तब हो रहा है वो थोड़ा कम होगा बातें समझ में आने लगेगी कुछ कुछ अपने ही मन को हम समझने लगेंगे कौन सी बात मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है कोई किसी ने गलती की किसी को काम दिया उसने गलती की नहीं किया हमने उसे डांटा पर क्या वो सुधरा नहीं सुधरा फिर से वो गलती करता है फिर से हम इरिटेट होता है एक व्यक्ति हमें बार बार इरिटेट करता है एंड वी गेट डिस्टर्ब्ड वाय लेट मी अंडरस्टैंड हिम क्या है ये कुछ तो है हम दोनों के बीच कुछ गहरी बातें हैं जो समझ में आने लगेगी सच्चाइयों को हम पकड़ने लगेंगे धीरे 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 फिर धोखे कम होंगे अभी जितने आंसू आते हैं डायरी में लिखा चार बार तो रोए एक हफ्ते में फिर अगले हफ्ते में तीन बार फिर दो बार और कोई ना कुछ ना कुछ तो कहेगा ही कांटे लेकर तो बैठे ही है लोग कांटों का जंगल है तो मुरली क्लास पूरी हुई दरवाजे पर ही कांटे लेकर है कोई ब्राह्मण परिवार का ही चुबाने के लिए कितना मजा आता है सारे पेपर्स तो यही चालू होते ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण परिवार ही परीक्षा गृह है एग्जामिनेशन हॉल एंड एवरी ब्राह्मण इज अ पेपर हर ब्राह्मण आत्मा पेपर है पता नहीं कब किससे पेपर आ जाए अभी तक तो इतना अच्छा था दोस्ती थी साथ में चल रहे थे पुरुषार्थ में आज अचानक उसने छोड़ दिया क्यों अचानक से धोखा कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है नेचर ऑफ माइंड दाइंड द संस्कार ऑफ माइंड द नेचर ऑफ अदर्स द नेचर ऑफ ब्रमिन फैमिली द नेचर ऑफ कार्मिक अकाउंट ये सब कैसे और किस सूक्ष्मी से चल रहा है सब कुछ तो हमें उड़ान भरनी है अंदर इसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी है ये जो अभ्यास बताया वो कभी दोपहर में कभी रात को और एक अभ्यास दे रहे योग निद्रा हम लोग रोज दोपहर को करते हैं सबको लिटा के पांडव भवन में एक जगह है ऊपर ओम शांति भवन के पीछे गार्डन विद कॉमेंट्री क्योंकि यदि आप सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करना है वन ऑफ द मेथड्स इज योग निद्रा जहां चेतन मन को शांत किया जाता है शरीर को शांत कर दिया जाता है श्वास को शांत कर दिया जाता है और फिर मैं आत्मा हूं और फिर विजुअलाइजेशन एंड देन कम बैक एंड रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस सात आठ स्टेजेस है उसकी क्योंकि सुना बहुत है अब करना बाकी है ड्रिल जो भी करो वो ड्रिल हो वो प्रैक्टिकल में दिखाई दे कि ये मैं कर रहा हूं तो ही उसका यहां से पांडव बन गए घूमे चार धाम आ गए हाथ में कुछ भी नहीं कुछ करना है वहां जाके कुछ स्मृति कोई काम कोई क्रिया जोड़ के आना है ताकि वो अविनाशी हो जाए तो यह अंतर जगत की यात्रा है फिर सभी स्थिर स्थिर बैठेंगे अलर्ट एकदम एकाग्र और जैसे कहा इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है नजर अपने जीवन यात्रा पर बचपन से अब तक क्या हुआ कौन कौन सी यात्राएं की गाठे कब बांधी गई संस्कार कैसे और कब निर्माण हुए एक क्विक अवलोकन अब मैं जहां हूं जिस स्थान में हूं जिन लोगों के बीच हूं ये स्थान कैसा है जीवन कैसा है दिशा और दशा कैसी है पुरुषार्थ किस ओर जा रहा है एक स्क्रीन पे दिख रहा है सूक्ष्मता से इसको देखना है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी सबसे गहरा एडिक्शन कौन सा और संकल्प है जब तक इसे नष्ट ना कर दू मेरी ये भट्टी पूरी नहीं होगी इस भट्टी में तीन दिनों में मुझे तपना है केवल तपना है अंतर आकाश की यात्रा करनी है स्वयं को जानना है ताकि उस बाप को प्रत्यक्ष कर सकूं। ओम शांति